Find the equation of R tangents to the curve y is equal to 1 upon x minus. उसकी स्लोप कितनी है? माइनस। सोल्यूशन देखें इसका। आपको पता होना चाहिए स्लोप क्या होती है। स्लोप m होता है, वही होता है dy अपॉन dx, और उसकी वैल्यू कितनी है? माइनस। कर्व नोट कर लीजिए, वक्र की इक्वेशन दी है 1 अपॉन x माइनस, इसको ऊपर ले जाएंगे x माइनस 1 की पावर माइनस, डिफरेंशिएशन कर देंगे dy अपॉन dx माइनस 1 की पावर माइनस। फंक्शन क्या था? तो दोबारा करेंगे ना, वन माइनस डी वाई एक्स की वैल्यू क्या थी? माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स माइनस वन की पावर माइनस टू, और वन दिखेंगे नहीं, ये माइनस वन से माइनस वन डिवाइड हो गया, वन आ गया, ठीक है, सही है। yes, इसको नीचे ले जाएंगे, पॉजिटिव वन हो जाएगा। yes, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, स्क्वायर करते हैं, दो चिन्ह आते हैं, प्लस माइनस वन, दो साइन आ जाएंगे, एक बार आप प्लस साइन लेंगे एक्स की वैल्यू टू आएगी, एक बार आप माइनस साइन लेंगे एक्स की वैल्यू जीरो आएगी। कितना देखो जरा ऊपर है, अब एक्स की वैल्यू पर किसकी वैल्यू निकालेंगे? वाई की, ठीक है, भेजेंगे फॉर एक्स की पहली वैल्यू क्या है? एक्स इज इक्वल टू टू, y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? वन अपान एक्स माइनस वन, एक्स की वैल्यू क्या है? टू, टू माइनस वन, यहाँ से y की वैल्यू क्या है भाई? तो पॉइंट क्या मिल गया? टू कामा, टू कामा, ठीक। अब इक्वेशन निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है? y माइनस y वन m, वही डिवाइड x है, चाहे m बोलो, x माइनस x, ठीक। y वन की वैल्यू बोलो, x वन है y वन, एम यही था क्वेश्चन में, एक्स वन मल्टीप्लीकेशन तो माइनस एक्स प्लस टू, उसको लगाएंगे एक्स प्लस वाई इक्वल, ठीक है, पहला आंसर आ गया। अब एक्स की एक और वैल्यू है, कौन सी? एक्स बराबर जीरो, देखेंगे फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू फिर यही कर्व से निकालते हैं सर, वन अपान एक्स माइनस वन अपान जीरो माइनस कितना आया? माइनस। इसका इस बार पॉइंट क्या मिला? सेकेंड पॉइंट जीरो गामा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, फिर वही फार्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम। अब इस बार ये एक्स वन है, ये वाई वन, y माइनस y1 की वैल्यू माइनस, n की वैल्यू यही यूज होगी बार बार माइनस, x माइनस x1 जीरो, ये हो रही बात, y प्लस 1 माइनस, इसको कर लाएंगे तो आएगा x प्लस y प्लस 1, या 1 को उधर भेज दो वो भी सही, ठीक, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इस कर्व के पैरेलल है टेंजेंट लाइन, तो आपको सॉरी इस कर्व की जो टेंजेंट लाइन है वो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो देखो, इफ द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस
यदि स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है, इफ टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यदि स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है, देन डीवाई अपॉन डीएक्स इक्वल जीरो, तब डीवाई अपॉन डीएक्स बराबर जीरो होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो एक्स का अवकलन करने पर, सॉरी वक्र का अवकलन करने पर, वक्र का अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन ऑफ द कर्व, डिफरेंशिएशन ऑफ द कर्व टी अपॉन डी एक्स, लेफ्ट साइड में लगाओ कर्व की, कर्व क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस ये हमने टी अपॉन डी एक्स लगाया लेफ्ट साइड में, अब डी अपॉन डी एक्स किसमें लगा दो राइट साइड। ये भी तरीका होता है डिफरेंशिएशन करने का। y इक्वल टू नहीं माने क्योंकि y पहले से रिप्रेजेंट है यहां, x स्क्वायर का 2x अपॉन 9, y स्क्वायर का 2y, y का भी करना पड़ेगा dy अपॉन dx अपॉन 16, कांस्टेंट का 0। अब हमें dy dx की वैल्यू पता है, कितनी पता है 0, यहां पे अप्लाई कर दो 2x अपॉन 9 प्लस 2y 0 अपान जो भी है, तो 0 आ जाए यहाँ पे 16 का, तो 2x अपान 9 पूरा 0 हो गया ग्रुप, 2x इक्वल 9 इक्वल 2x अपान 9 इक्वल 0, 2x इक्वल 0 इंटू 9 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 0। जब x या y कोई एक वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो दूसरी कहां से मिलती है, कर्व क्या है, x स्क्वायर अपॉन 9 y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ x, 0 स्क्वायर अपॉन 9 y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, ये 0 हो गया, y स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16, दो चिन्ह आएंगे प्लस माइनस, तो स्क्वायर रूट ले रहे हैं 16 का 4, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 0 कामा 4 पहला आंसर एंड 0 कामा माइनस 4 दूसरा आंसर, मतलब आप सेपरेट करके करके अलग अलग आंसर दे सकते हो, बाकी ज्यादा बेस्ट तरीका यही है। अब इस बार कंडीशन क्या है, पैरेलल टू वाइस यानी वाइस के समांतर है कौन, टेंजेंट लाइन इसकी कर्व के, यानी कर्व की जो स्पर्शी है उस बार क्या थी एक्स एक्स के समांतर, तो वैसे करेंगे जैसे भी बताया, यदि यही कहते कि वही क्वेश्चन सेम है लेकिन उसकी स्पर्शी एक्स एक्स के समांतर नहीं है बल्कि किसके समांतर है वाइस के, यानी पैरेलल टू वाइस, उसके लिए क्या कंडीशन होती है डी वाई अपॉन डी एक्स, उसमें जीरो था इसमें इन्फिनिटी हो जाए, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इन्फिनिटी होता है 1 अपॉन 0, इसको पलट दो तो dx अपॉन dy, या क्या करना है इसको ऐसे रखो, अब बताओ क्वेश्चन में dy dx क्या निकाला था हम लोगों ने, मतलब जब डिफरेंशिएशन करना किया था तो यही था d अपॉन dx x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे तो होता है यहां 9 16 d अपॉन dx, पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, बस इसमें क्या होगा डिफरेंशिएशन 2x अपॉन 9, ये 2y dy अपॉन dx अपॉन 16 0, तो 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16, dy अपॉन dx की वैल्यू पहले यहां से निकालते हैं, कैसे यहां पे बिना रखो ठीक है, पहले यहां से dy dx निकालो, तो कैसे इसको उधर ले जाओ, यहाँ बचा 2y अपॉन 16 dy अपॉन dx, ये उस तरफ ट्रांसफर होगा तो माइनस 2x अपॉन 9, तो dy अपॉन dx माइनस 2x अपॉन 9 इंटू में ये पलट जाएगा, 16 ऊपर जाएगा और 2y, अब वैल्यू रख दो क्या लिखा है यहाँ उसकी वैल्यू बोलो 1 अपॉन 0 1 अपॉन 0,
सामने टू से टू कैंसिल, इनका इनका मल्टीप्लीकेशन 16x, इनका इनका मल्टीप्लीकेशन 9y, फिर से गुणा कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इसमें 0, इसका इसमें 9y, y की वैल्यू क्या आ गई 0 अपॉन 9 0 है। y की वैल्यू निकल आई है, किसकी वैल्यू चाहिए, x की, किसकी हेल्प लेंगे, कर्व की हेल्प लेंगे, कर्व क्या हमारा x स्क्वायर अपॉन 9 y स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है 0, y की प्लेस में 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 9, x की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 9 का वर्गमूल, पॉइंट क्या आ गए, यानी जो बिंदु मिला पहले x की वैल्यू रखी है, अभी तो बता कि पहले ये मिला उसको पहले रख देंगे, हमेशा पहले किसकी वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू क्या निकली है प्लस माइनस 3, y की वैल्यू, ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट होगा।